न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के अनुसार एक 6 महीने का और एक लगभग 2.5 साल 1.5 साल का बच्चा और इन दोनों के बाद एक 13 साल की बच्ची की मौत हो चुकी है पश्चिम बंगाल में अडीनो वायरस की वजह से। दोस्तों, अडीनो वायरस कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन इस वायरस का ये जो दानवीय रूप पश्चिम बंगाल में फैला है यह वास्तव में चिंता करने लायक है। दोस्तों, आप यहाँ पे अलग अलग न्यूज़पेपर की हेडिंग देख सकते हैं, आप गूगल पर जाके और भी न्यूज़पेपर की हेडिंग देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में एक बुरी तरीके से कहर बरपा रहा है यह अडीनो वायरस। दोस्तों, ये जो अडीनो वायरस है, अगर हम इसके इन्फेक्शन की बात करें तो फिलहाल ये वेस्ट बंगाल में अपने चरम पर है। जनवरी के माह में वेस्ट बंगाल ने कुछ सैंपल जो हैं वो यहाँ पर डिसीज सेंटर में भेजे थे और उनका लगभग 30% जो है वो पॉजिटिव पाया गया। मतलब ये पता चला कि जितने भी सैंपल भेजे गए हैं उनमें से 30% लोगों को अडीनो वायरस का ही इन्फेक्शन हुआ है। और दोस्तों, वर्तमान में ये जो वेस्ट बंगाल है ये हाई अलर्ट पर है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अडीनो वायरस क्या होता है, तो दोस्तों इट्स लाइक अ ग्रुप ऑफ वायरस, लेकिन इस वायरस का वो किस्म जो कि इस समय पश्चिम बंगाल में फैली हुई है वो वास्तव में खतरनाक है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि इसे लेकर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस अडीनो वायरस के बारे में पता भी होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से इसके संक्रमण से बच सकते हैं। दोस्तों, अडीनो वायरस के बारे में अगर आप लोग देख सकते हैं तो इसके सिम्टम्स की जब बात की जाती है तो इसके माध्यम से केवल कॉमन कोल्ड और फ्लू होता है, एक थोड़ा सा सर्दी जुकाम और बुखार आता है। वैसे तो अडीनो वायरस साल भर फैलता है, लेकिन ठंड के मौसम में ये अपने पीक पर होता है, अपने चरम पर होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो अडीनो वायरस है ये स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र और कहीं ना कहीं हृदय संबंधी जिन लोगों को ज्यादा बीमारियां रहती हैं उनके ऊपर ज्यादा जल्दी प्रभाव करता है। आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो अडीनो वायरस है इसके लक्षणों में आप लोगों को दिखाई देता है हाई फीवर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई देती है खांसी, इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सर्दी और इसी के साथ आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि पाचन प्रक्रिया में पेट में गड़बड़ी, गैस बनना जैसी चीजें और इसी के साथ सांस लेने में तकलीफ। और दोस्तों, आप लोगों ने अभी ये जो सिम्टम्स सुने, ये जो लक्षण सुने, इन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि यार ये सर्दी, खांसी, बुखार, पेट में गड़बड़, सांस लेने में तकलीफ, ये तो नॉर्मली जब भी कभी थोड़ा बहुत बुखार आता है तो ऐसी प्रॉब्लम होती ही है और इन्हें हम इग्नोर भी करते हैं। तो दोस्तों, ये ना केवल हम लोगों के लिए नॉर्मल है बल्कि कई बार डॉक्टर्स भी ये आइडेंटिफाई करने में बहुत देर कर देते हैं कि किसी इंसान को अडीनो वायरस इन्फेक्शन है, क्योंकि इसके जो लक्षण है ये बिल्कुल ही कॉमन कफ एंड कोल्ड जैसे हैं। आप देख सकते हैं कि वैसे तो ये जो अडीनो वायरस है ये सभी एज ग्रुप के, सभी आयु वर्ग के लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन स्पेशली यहाँ पर डॉक्टर्स का कहना है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें इस वायरस का खतरा कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि पहली बात तो उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत कमजोर होता है और दूसरी बात आप लोग देख सकते हैं कि वो किसी ना किसी चीज को छूते रहते हैं या फिर एक दूसरे को, एक जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के साथ बार बार हाथ मिलाते रहते हैं, ऊट पटांग चीजों को उठाकर कभी अपने मुंह में भी डाल लेते हैं। सो इन चीजों की वजह से बच्चों में एक ज्यादा खतरा यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। सवाल उठता है कि क्या अडीनो वायरस का कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अवेलेबल है? तो इसका जवाब है कि अडीनो वायरस के लिए अभी तक कोई विशेष वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है और इसी के लिए कोई अलग से कोई दवाई भी नहीं बनी हुई है। हालांकि इस अडीनो वायरस को ट्रीट करने के लिए जो साधारण दवाई जो है, जो पेन किलर जैसी दवाई है जो सर्दी बुखार वगैरह में भी दी जाती है, उन्हें दिया जाता है। अडीनो वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग से ऐसे कोई टेस्ट है नहीं और जो कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे स्वैप टेस्ट हैं वो बहुत महंगे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अगर आप अडीनो वायरस के खतरे से बचना चाहते हैं तो आप लोगों को ये देखना होगा कि आप जो अपनी आईज हैं, जो अपने नोज हैं, जो अपने माउथ हैं, इन्हें बार बार टच ना करें, स्पेशली पब्लिक प्लेस, जैसे आप बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ऑफिस या फिर किसी भी ऐसी जगह पर है जहाँ पे आपने बार बार आसपास की चीजों को छुआ है, तो उन्हें छूने के बाद दोबारा से आप अपनी नाक, आंख, मुंह में हाथ ना लगाएं। बार बार आप सैनिटाइजर का यूज करते रहें, अपने हाथों को 20 सेकेंड के लिए लगातार धोते रहें और आपको अगर कोई भी लक्षण समझ में आता है तो तुरंत डॉक्टर से मिले। दोस्तों, ये जो अडीनो वायरस है
यह इस समय वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है और आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि ये वेस्ट बंगाल से निकल करके हमारे देश के बाकी हिस्सों में अपना प्रकोप ना बरसाए, लेकिन फिर भी हमारे लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा बचकर रहें। अगर आपके घर में छोटे बच्चों को इस तरीके से कोई चीज महसूस होती है कि यार इन्हें थोड़ा सा सर्दी बुखार है, तो आप डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट भी करें और अगर संभव हो तो एक दो दिन के लिए उनके स्कूल की छुट्टी भी करवा दें। आप खुद भी बच के रहें और अपने परिवारजनों की भी रक्षा करें। धन्यवाद। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक रेफरल कोड, एक डिस्काउंट कोड के लिए ऑप्शन मिलता है। और जैसे ही आप यहाँ पर अपूर्वा 23 डालकर अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइजेस हैं ये अचानक से आपको फॉल होते हुए दिखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस कम हो चुके हैं।